छोटे से बिल्कुल हल्के से ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट समझा लेता हूँ, बिल्कुल ही हल्के से, मतलब थोड़ा बहुत, कुछ नहीं है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेकंड होता है ना, साइन का तो सेकंड होता है ना। तक चुपचाप, ये वीडियो हो रहा है, यूट्यूब में जाएगा, मुंह मत बको बे। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकंट, सेकंट और कोटेंजेंट। आया बात समझ में? इन छह का शॉर्ट फॉर्म होता है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। क्या होता है शॉर्ट फॉर्म? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। तुम लोग कहाँ से सीख के आए हो? कौन सा चकलाबस्ती हाई स्कूल में पढ़ते हो? कुछ भी बोले जा रहा है, पता नहीं है तो सीखो। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है? और इसको ना याद करना होता है ऐसे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, सीरियली याद करने से ट्रिग्नोमेट्री करने में सुविधा होता है। लेकिन अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी ना करेंगे, खाली रिफ्लेक्शन समझने के लिए, साइन समझने के लिए सिखा रहे हैं। राइट और रॉन्ग कुछ नहीं है, एक ट्रायंगल रहेगा, ठीक है? सोचो ट्रायंगल है ए बी सी, तो लोगों को जस्ट मैं एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग ट्रायंगल दूंगा, कुछ नहीं है। ट्रायंगल में जिस भी एंगल को पकड़ोगे, सोचो इसको थीटा पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया इसको? थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ऐसे लिखा जाता है। और हमेशा इसको याद रखो, इसका एक थ्योरी है, थ्योरी मतलब याद रखने का एक तरीका। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले मत लिख बे, फिर से चकलाबस्ती हाई स्कूल का पढ़ाई बता रहा है। मैं सिखा रहा हूं स्मार्ट तरीके से कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तब वो भी बोल रही थी, कहां कहां से लोग सीखते आते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले यहां पे मत लिखा कर, ये लिखा कर ऐसे। साइन, कॉस, टैन, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ऐसे बनाओ इस टेबल को, तो फिर आसानी होगी। कैसे आसानी होगी? साइन का मतलब है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस का मतलब है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, एंड टैन का मतलब है परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉसेक का मतलब है हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, सेक का मतलब है हाइपोटेन्यूस बाय बेस, कॉट का मतलब है बेस बाय परपेंडिकुलर, उल्टा लेगा उल्टे तरफ से। समझ में आया? सर बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेन्यूस कौन है? हमेशा याद रखना 90 के ऑपोजिट में ये होता है परपेंडिकुलर, सॉरी ये होता है हाइपोटेन्यूस, थीटा के साथ जो लगा हुआ है वो हमेशा बेस, थीटा के ऑपोजिट में जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। आया बात समझ में? सर अगर मैं ट्रायंगल को ऐसे लू तो ये 90 हुआ तो थीटा कौन सा लेना है? अगर ये थीटा लिए हो तो ये बेस हो जाएगा, ये सॉरी ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये 90 का ऑपोजिट में है हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर इसी वाले ट्रायंगल में यहां पे थीटा लिए हो, यहां पे 90 है, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अलग अलग नाम होगा ट्रायंगल का, उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू यू? एम आई बीइंग एबल टू मेक माई सेल्फ क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर। इज देयर एनी प्रॉब्लम, एनी इश्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग? आर यू श्योर? इसका एक फोटो खींच ले तो, रुक। अब देख मैं इसको मिटाता हूं, तो फिर तेरे को क्या करना है, सिंपली ये टेबल बना है, बनाना है। क्या टेबल? टेबल का नाम क्या है? पंडित बद्री प्रसाद, श्लोक प्रसाद मत लिख देना, हर हर
बोले, अब पता चला क्यों मैं सोना चांदी तोले बोले लिखने के लिए मना किया था, क्योंकि ऊपर नीचे क्या लिखेगा तुम लोग बता, क्या लिखेगा ऊपर नीचे? साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। इससे क्या आसानी हो जाती है, साइन का मतलब है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस का मतलब है, कॉस का मतलब है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन का मतलब है परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉसेक का मतलब है सेक का मतलब है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कॉट का मतलब है बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा इज इक्वल्स टू, और इसका कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज बाय बेस है और ये बेस बाय परपेंडिकुलर है, देख बिल्कुल उल्टा है, यानी साइन का उल्टा है कॉसेक, कॉस का उल्टा है सेक और टैन का उल्टा है कॉट। आई बात समझ में? यस सर। पूरा अच्छे से समझ में आया, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? अब अगर मैं तुमको ट्रायंगल दूं और बोलूं कि भाई कौन सा तीनों ट्रायंगल दे रहा, तुम लोग ड्रॉ किया था, तुमने ड्रॉ किया था, दिखा और देरी से निकाल के दे, तीन ट्रायंगल देता हूं मैं तुम लोगों को, ए बी सी, एक्स वाई जेड एंड के एम एन, दिए मैंने तीन ट्रायंगल, यहां पे मैंने थीटा लिखा ये 90 है, यहां पे मैंने बीटा लिखा ये 90 है, और यहां पे मैंने फाई लिखा और यहां पे मैंने अल्फा लिखा, आया समझ में? मुझे साइन इस ट्रायंगल के हिसाब से साइन थीटा टू कॉट थीटा क्या होता है लिख के दिखाओ। सर यही तो होगा ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यही तो होगा। हाँ ये होगा, लेकिन इस ट्रायंगल के हिसाब से कौन होगा, ए बी बाई बी सी, बी सी बाई ए सी, कौन होगा? जैसे कि मेरे को पता है साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, और यहां पे परपेंडिकुलर है बच्चे ए बी, तो ए बी बाई ए सी, हाँ ऐसे करके लिख के दिखाना पड़ेगा, तो भी क्या हो जाएगा तुम्हारा ये प्रैक्टिस से दिमाग एकदम क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, जैसे अफीम का नशा क्या हो, मजा आ गया चीचिंग था। अरे वो अली बाबा, हाँ अली बाबा 40 चोर में से पहाड़ खुल जाता था, कितना मजा आया ना, सोचो यही बोल, मैं वही सोच रहा था इसका मतलब क्या है, तो वो सोच रहा था, तू सोच रहा था चीचिंग को बंद कर दे, आया समझ में? तेरा मामा बोलता है।